हेलो बच्चों, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक शुरू किया था, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पी ब्लॉक में लगने वाले कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात की थी, जिनमें डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन और इनर पेयर इफेक्ट, है ना। ये तीन इफेक्ट थे, है ना, मेनली हम बात करें तो। इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी लेक्चर के लास्ट में कि हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का, पी ब्लॉक का कोई सा भी ग्रुप उठा ले, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिफर करेगा बाकी के सारे एलिमेंट से, ठीक है। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी बहुत सारी सिलिकॉन से, ठीक है, और बाकी मेंबर्स से उस ग्रुप में जो प्रेजेंट है। सिमिलरली नाइट्रोजन की मैं बात करूं, जो कि आज हम करने ही वाले हैं, ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो ये डिफर करेंगे प्रॉपर्टीज में। इसके रीजन क्या थे? इसके तीन रीजन थे, तो इनका छोटा साइज, ठीक है, दूसरा इनकी बेहतरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो करते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हर ग्रुप के, है ना, 13 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, पी ब्लॉक के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। बाकी कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे पी ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट पीरियड को छोड़ देता हूं, मतलब पी ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड को, है ना, छोड़ दें, तो बाकी जितने भी पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन नाइट्रोजन, हम बात करें कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन, तो उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। अब आज हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ आसान आसान सी बातें होंगी, ठीक है, अबाउट ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। क्लास 12th में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 हमें डिस्कस कर रहे हैं, 13 और 14 हम ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, विच इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बातें करेंगे हम, है ना। या सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं। अच्छा, कल मैंने बताया था आप लोगों को ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सर नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, है ना, ये पांच एलिमेंट आते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 15 में। इन पांचों एलिमेंट को हम एक जनरल कॉन्फिगरेशन से दिखा सकते हैं, NS2NP3। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये कॉन्फिगरेशन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज पी ग्रुप के बारे में, 15 ग्रुप के बारे में, कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर आप इसके बगल वाले दोनों ग्रुप्स को देखें, तो आप ग्रुप नंबर 16 को देखें, आप ग्रुप नंबर 13-14 को देखें, ठीक है, या आप ग्रुप नंबर 17 तक देखें, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन किसका होता है, ग्रुप नंबर 15 का, जो कि एक हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। कैसा कॉन्फिगरेशन है? हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। दिस इज द रीजन कि ये जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, है ना, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लाइक ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन, ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्टिविटी कम होती है, उसका रीजन आपके सामने है, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बाद, तो हम बात करते हैं पहले आयनिक रेडियस के बारे में, है ना, आयनिक रेडियस के बारे में, तो जरा देख लें, या एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस दोनों सेम ही होंगी, सेम तरह से वेरी करेगी। तो आप लोगों को पता है जैसे जैसे आप ग्रुप 15 में आगे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, है ना, नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी फास्फोरस की, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है ना जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ग्रुप में, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, और सबसे कम रेडियस कितनी होगी, किसकी होगी, बिस्मिथ की। तो ये चीज तो आप जानते थे, बट ये एक चीज समझने की और है, वो ये कि इनकी रेडियस में जो डिफरेंस होगा वो अच्छा खासा होगा। जी हाँ, इनकी रेडियस में जो डिफरेंस होगा वो अच्छा खासा होगा, इनकी रेडियस में जो डिफरेंस होगा वो भी ठीक ठाक होगा, लेकिन यहां जब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, शायद आपको रीजन पता है। अल्दो
ऑर्डर यही रहेगा, नाइट्रोजन का सबसे कम रेडियस, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। लेकिन यहां जाकर थोड़ा सा वेरी कर दिए चीजें, वेरी करने से मेरा मतलब है कि यहाँ साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, अल्दो इसका बड़ा होता है पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। रीजन यहाँ पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन और डीप लोब कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है, तो डीप लोब कॉन्ट्रेक्शन के आने की वजह से इनमें शेडिंग इफेक्ट कम लगता है, कम लगता है, तो यहाँ पर जो है साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, अल्दो इतना डिक्रीज नहीं करता है कि इक्वल हो जाए या इसका बड़ा हो जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं फिर से सुनो। हमने कल तो इफेक्ट पढ़े थे, हमने पढ़ा था डीप लोब कॉन्ट्रेक्शन, हमने पढ़ा था लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन, तो दोनों इफेक्ट क्या कह रहे थे कि फोर्थ से फिफ्थ पीरियड में जा रहे हो या फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जा रहे हो तो डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर, तो उनकी शील्डिंग पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यानी कि जब फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जाओगे, फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में, तो शेल बड़ा है मान रहे हैं, यहाँ चार शेल है या पांच, बट जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है, क्योंकि शील्डिंग पुअर होती है ना, इसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज करता है और शेल के बढ़ने की वजह से इंक्रीज करता है। ओवरऑल इंपैक्ट होता था कि बराबर कर जा रहा था साइज 13th और 14th ग्रुप के एलिमेंट्स का, बट ये 15th ग्रुप है। यहां पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन या मैं बात करूं डीप लोब कॉन्ट्रेक्शन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, अल्दो फिर भी इनके साइज में वेरिएशन लेंथेनोइड और डीप लोब कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ज्यादा नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, मतलब जितना इसका साइज बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ा तो अभी भी शेल के इंक्रीज करने की वजह से, बट जितना जनरली बढ़ना चाहिए था, जितना एक शेल की वजह से बढ़ता है उतना नहीं बढ़ता, उससे कुछ कम बढ़ता है। सेम कहानी यहाँ पर होती है, ये समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुई होगी इतनी बात, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में इतनी बातें करनी है तो हमें। ठीक है, आगे सुनो, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप लोग जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 के सभी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है। क्या कहा मैंने? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज छोटा होता जाता है। बट अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से भी ज्यादा होती है, जबकि ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ग्रुप 16 की, बट ग्रुप 15 की ज्यादा होती है। रीजन ड्यू टू देयर हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन, due to their half-filled configuration। Clear ही मेरी बात? ठीक है भाई, half-filled stable configuration होता है तो ये electron ज़्यादा लेना नहीं चाहेंगे, है ना, electron ज़्यादा देना नहीं चाहेंगे, ऐसा कहना चाहिए मुझे, electron ज़्यादा देना नहीं चाहेंगे। अगर आपको इनमें से electron निकालना है, stable configuration है, electron निकालना है तो relatively ज़्यादा energy देनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो बात हो गई, ये तो compare कर लिया हमने इसको इसके बगल वाले से, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी 14th वाले से भी ज्यादा, 16th ग्रुप वाले से भी ज्यादा। ठीक है, 15th ग्रुप की अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि सबसे छोटा नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद बोला जाएगा आर्सेनिक, उसके बाद Sb और लास्ट में कौन? बिस्मथ। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है? बिस्मथ की। अगेन यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस अच्छा खासा होता है, बट यहाँ पर वो डिफरेंस इतना नहीं होता, शायद आप फिर समझ रहे हैं, क्योंकि इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है ना, वो एक लार्ज डिफरेंस है, यहाँ पर इतना लार्ज नहीं है। क्लियर हो रही होगी मेरी बात आप लोगों को? तो ये हमने बात की अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो आप लोग सब जानते हैं हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ये एलिमेंट, है ना, लिखेंगे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नंबर 4। तो हम सब जानते हैं इस बात को कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं सब हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, क्योंकि छोटे होते हैं साइज में, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चलो ग्रुप में बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस ग्रुप में नाइट्रोजन की, उसके बाद फॉस्फोरस की, उसके बाद
आर्सेनिक की, उसके बाद एसबी की, उसके बाद बिस्मिथ की। ठीक है, तो ये बात रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एक हम बात कर सकते हैं एलोट्रॉपी की, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। एलोट्रॉपी मतलब ये नेचर में कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं, फर्दर एलोट्रॉप्स की बात हम करेंगे आगे, बट एक इंपॉर्टेंट बात आप यही समझ लीजिए, सीख लीजिए कि आप नाइट्रोजन को छोड़ दो, बिस्मिथ को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। समझ लो ना एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जैसे कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, जो नेचर में पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। उसी तरह से आप अगर बात करो इस ग्रुप की, तो फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, आर्सेनिक के भी एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, और एंटीमनी के भी एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके मेनली तीन एलोट्रॉप पाए जाते हैं, इसके तीन एलोट्रॉप पाए जाते हैं, और इसके तो बहुत सारे हैं, जिसमें से पढ़ने हमें तीन है, रेड फास्फोरस पढ़ना है, ब्लैक फास्फोरस पढ़ना है, दो ही पढ़ने हैं, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो इनके एलोट्रॉपी फॉर्म्स पाई जाती, आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि इनको छोड़ के एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ सबकी एलोट्रॉपी फॉर्म पाई जाएगी। ठीक है, चलो अब द मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करते हैं, किस बारे में, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, है ना, आप मुझे बताएंगे किस बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी, किस बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी, या मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा आपको, एटमोसिटी से, या कैटेनेशन लिख लीजिए आप, एटमोसिटी। समझा, अच्छा मैं बताऊं, नाइट्रोजन को जानते हो, N2 लिखा ही N2 है ना, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या जानते हैं, ये एग्जिस्ट करता है इन डाई एटॉमिक फॉर्म, बिल्कुल जानते हैं सर, अभी कहा ना मैंने तो लिखा ही N2 था, डाई एटॉमिक फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में पाया जाता है, N2 की फॉर्म, इसमें N दूसरे N के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसकी एटमोसिटी कितनी होगी, 2, है ना, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा कैटेनेशन का रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, लेकिन अगर मैं बात करूं आर्सेनिक की, मैं बात करूं बिस्मिथ की, ठीक है, है ना, बात करूं एसबी की, ये चारों टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस नेचर में P4 की फॉर्म में पाया जाता है, है ना, आर्सेनिक नेचर में S4 की फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, ये डाई एटॉमिक, बाकी सब टेट्रा एटॉमिक, मतलब उसका रीजन पूछ लिया जाता है, समझना बात ध्यान से, कि ये डायटोमिक क्यों, ये टेट्राइटोमिक क्यों, समझ लो। आपको बताया नाइट्रोजन छोटा होता है, इन सब में छोटा होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास अपने वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 ये बॉन्डिंग के लिए देते हैं। जरा देखो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन इसका, 1s2, 2s2, 2p3, तो ये इसका 2s का ऑर्बिटल और ये इसका 3s का ऑर्बिटल। क्लियर है बात मेरी, हम इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो ये न्यूक्लियस इसका, हमने कहा ये इसका px, ये py और ये pz, ये इसका px, ठीक है, ये इसका py और ये इसका pz। सिमिलर मैनर में एक मैं बात कर लूं दूसरा नाइट्रोजन का एटम, उसको मैं यहां बना लूं, ये px है ना, ये py और ये pz। तो आपको पता है यहां क्या होगा, थोड़ा सही बनाते हैं, यहां क्या होगा, यहां पर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, इसके बीच में और इसके बीच में, और ओवरलैपिंग से, ध्यान से समझना, इस ओवरलैपिंग से एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा, है ना, सही है। इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, पीपी, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। और यहां जो बॉन्ड बना ना, उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या कहते हैं, पीपी सिग्मा बोन, क्या बोलते हैं इसको हम, पीपी सिग्मा बोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, या सिग्मा पीपी बोन, है ना। अब इन दोनों का साइज छोटा है, तो क्या यहां पर, आपको पता है यहां पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सेम दूसरे नाइट्रोजन के पास भी होगा, इन दोनों का साइज छोटा है, तो यहां पर जो पी वाई है और इसका जो पी वाई है वो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं,
इसका जो पीजेड है, इसका जो पीजेड है वो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझो एक ओवरलैपिंग तो इस तरह से हो गई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके पास पी वाई और पीजेड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी है, तो दो ओवरलैपिंग ये एक दूसरे के पैरेलल आके कर लेते हैं और यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है पाई और यहां पर कौन सा बॉन्ड हो जाता है पाई। इन दोनों बॉन्ड्स को हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड। पी और पी के बीच में जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं पी पाई। तो यहां पर कितने पी पाई बॉन्ड बना रहा है ये दो, और एक बॉन्ड कैसा बना रहा सिग्मा। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बना लेगा। दोनों पाई बॉन्ड कौन से होंगे पी पाई, ध्यान रखना नाम ध्यान रखना आगे काम आएगा, ठीक है। बाकी जानते हैं आप लोग, फिर भी हम बता रहे हैं कि यहां पर इसका छोटा साइज है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो इसका साइज रिलेटिवली बड़ा है, कर तो ये भी सकता है अगर कॉन्फिगरेशन लिखे तो। देखो जरा इसका क्या होगा 3s2 3p3, मैं फास्फोरस पे आया हूं, ठीक है। जरा लिखो इसका कॉन्फिगरेशन, ये इसका 3s है ना, ये इसका 3x हो गया, 3px 3py एंड 3pz। सर ये भी कर लेगा, इसके पास भी तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, दूसरे फास्फोरस के साथ तीन बॉन्ड बना लेगा, पर ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर साइज बड़ा होता है फास्फोरस का रिलेटिवली नाइट्रोजन से, तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, है ना। यहां सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, चलो इस तरह की ओवरलैपिंग से बन गया सिग्मा बॉन्ड, तो फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में साइज बढ़ गया ना भाई, साइज बढ़ गया, ये बॉन्ड तो बना दिया हमने। अब यहां पर रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ गई तो ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नाइट्रोजन की एटमोसिटी 2 क्यों होती है, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना दूसरे नाइट्रोजन के साथ, मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन एटम, जबकि फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता। रीजन बहुत साफ है कि साइज बड़ा है, पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी इनमें, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो फास्फोरस में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती दूसरे फास्फोरस के साथ, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं फास्फोरस। तो इनकी एटमिसिटी 2 नहीं होती, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जब इनकी स्ट्रक्चर आएगी तब बताएंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज हो, क्या आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है एक बहुत बेहतरीन यूज में आती है ना। आप लोगों को याद हो तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन भरता है, नाइट्रोजन भरता है उसमें, क्यों? क्योंकि वो इनर्ट एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट, इनर्ट एनवायरमेंट देती है आपको कि भैया टेंशन मत लो, हम रिएक्शन करेंगे भी नहीं, हम रिएक्शन होने भी नहीं देंगे, होने तो कैसे नहीं देंगे कि वॉल्यूम वो घेर लेगी तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, ठीक है ना। साथ में आपको बताया हमारे एटमोस्फेयर में 79% के समथिंग नाइट्रोजन है, ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन हम ले रहे हैं या हमारे अंदर जा रही है या जा रही है तो हमें कुछ हार्म कर रही है, नहीं, नाइट्रोजन एक बहुत बहुत कम रिएक्टिव गैस है ना, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और लगभग लगभग इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी से किसी के साथ अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता। इसका रीजन ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां मल्टीपल बॉन्ड बने, आपको पता है यहां तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा और दो पाई, आपको रिएक्टिव बनाना है इसको तो तीन बॉन्ड तोड़ना है, उसके लिए आपको जो बॉन्ड एंथैल्पी देनी होगी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, समझ में आ रही है मेरी बात, आपको जो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी देनी होगी इसको नाइट्रोजन को बॉन्डिंग करने के लिए वो बहुत ज्यादा होगा और इतना अमाउंट आप नहीं दे पाओगे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिल पाता है ऐसा कहना चाहिए मुझे, ठीक है। इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर है ना, नॉर्मल प्रेशर में ये एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो हमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, और उससे पहले हम दो तीन चीजें और देखेंगे, लाइक इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्दो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 15 के एलिमेंट, याद करो लास्ट लेक्चर में ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कॉन्फिगरेशन क्या, NH2 NP3, तो सर +3 दिखा सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो, ये दो भी चले जाए तो +5 और तीन ले ले तो -3, तो जनरली ये तीन दिखाते हैं,
है ना। बाकी दिखाने को तो मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ दिखाते हैं ना, देखेंगे वो लास्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक दो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ये बताया कि ये पी पाई बॉन्डिंग करता है नाइट्रोजन और साथ में ये इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट से मेरा मतलब है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है ना, नोबल गैस मत मान लेना कि रिएक्शन ही ना करे इतने नखरे हो जाए ना, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।